हेलो एवरीवन, तो ये स्टैटिक जीके सीरीज़ का पार्ट 7 वीडियोस है। इससे पहले हम लोग पार्ट 6 वीडियोस कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 7 वीडियोस। क्वेश्चन 61, होयसला मोनूमेंट्स आर फाउंड इन, यानी होयसला स्मारक कहाँ पर है। ऑप्शन ए हम्पी एंड हॉस्पेट, ऑप्शन बी हेलीबीड एंड बेल्यूर, ऑप्शन सी मैसूर एंड बेंगलुरु, ऑप्शन डी श्रृंगेरी एंड धारवाड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेलीबीड एंड बेल्यूर। तो जो होयसला मोनूमेंट्स है ना, वो हेलीबीड एंड बेल्यूर में पाया जाता था, बट शुरुआत में होयसला की जो कैपिटल थी यानी राजधानी थी वो बेल्यूर में हुआ करता था, परंतु बाद में जो है ना हेलीबीड हो गई। तो आइए होयसला साम्राज्य के कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं कि इनका क्या क्या इतिहास रहा। तो होयसला साम्राज्य ने कर्नाटक के एक बड़े हिस्से, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में 10वीं से 14वीं शताब्दी तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। एंड होयसला साम्राज्य की जो राजधानी थी ना, कैपिटल, वो हेलीबीड एंड बेल्यूर में ही हुआ करता था। एंड यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एग्जामिनर ये भी पूछ देता है जो आपका जो प्रमुख मंदिर थे, तो यहाँ पर आपका होयसला साम्राज्य के द्वारा जो था ना, वो 3 सबसे फेमस मंदिर हुआ करता था। जो पहला मंदिर का जो नाम है सोमनाथपुरा, सोमनाथपुरा में आपका केशव मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कर्नाटक में है। एंड जो दूसरा जो है ना, वो बेल्लूर में चित्रक सब मंदिर है। एंड जो थर्ड लास्ट है, वो हेलीबीड होयसल सेवा मंदिर के नाम से जाना जाता था। तो आइए यहाँ से भी जान लेते हैं कि होयसल वंश का संस्थापक कौन था एंड अंतिम शासक कौन था। तो होयसल वंश का जो संस्थापक जो थे ना, उनका नाम नृप्यकाम द्वितीय था, नृप्यकाम सेकेंड। एंड अंतिम जो शासक था ना, उनका नाम वीर वल्लाल तृतीय था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द लिंगराज टेम्पल लोकेटेड। ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी कोलकाता एंड ऑप्शन डी सर्वन बेलगोला। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भुवनेश्वर। तो जो आपका लिंगराज जो टेम्पल है ना, वो लोकेटेड है आपका उड़ीसा के शहर भुवनेश्वर में, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भुवनेश्वर। और यह मंदिर जो है ना, वो भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित करता है, भगवान त्रिभुवनेश्वर को क्या करता है, समर्पित करता है। एंड यह टेम्पल आपका 11वीं शताब्दी में आयाति केसरी के द्वारा बनाया गया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इन पैडी क्रॉप्स फील्ड द मेनली फाउंड गैसेस। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी इथिलीन एंड ऑप्शन डी प्रोपेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मीथेन। तो जो आपका पैडी क्रॉप्स फील्ड है, उसमें जो गैस पाया जाता है वो मीथेन नाम का गैस पाया जाता है, ठीक है। तो आइए अगर इसके अलावा बोल दिया जाए कि पैडी क्रॉप्स फील्ड से कौन कौन सी गैस रिलीज होती है, तो मेनली 3 गैस ही एग्जामिनर पूछ देता है, मतलब मेनली, ठीक है ना। तो जो पहला जो आपका एग्जाम्पल जो होगा, जो गैस रिलीज होती है पैडी क्रॉप से, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा आपका मीथेन है, एंड जो थर्ड जो है ना, वो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लोग N2O के नाम से जानते हैं, और यह N2O लाफिंग गैस के भी नाम से जाना जाता है। तो यह सब कुछ गैस जो है ना, वो पैडी क्रॉप्स के द्वारा क्या होता है, रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना, ये पैडी क्रॉप्स के द्वारा क्या होता है, रिलीज्ड होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, द लॉन्गेस्ट रूट ट्रेन विवेक एक्सप्रेस रन्स बिटवीन। ऑप्शन ए डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली टू चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई टू कोलकाता एंड ऑप्शन डी बेंगलुरु टू न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है, जो सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड है इंडिया का, ओके। एंड इस ट्रेन जो आपका विवेक एक्सप्रेस है, उसे ऑपरेट नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे करता है, और यह ट्रेन अपना पहला सर्विस जो है ना, 19 नवंबर 2011 को दिया था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो अपना पहला जो सर्विस जो है, मतलब विवेक एक्सप्रेस है ना, वो अपना पहला सर्विस कब दिया था, तो अपना पहला सर्विस 19 नवंबर 2011 को दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया प्रेजेंटली। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 21 एंड ऑप्शन डी 26। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 25। तो आइए जान लेते हैं कि हाई कोर्ट के जो जज होता है, उसे नियुक्त कौन करता है।
तो इसका नियुक्ति हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में मेंशन है और ये इसके मुताबिक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के आधार पर किया जाता है। मतलब कि जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं वह सलाह लेते हैं भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश से, और प्रेसिडेंट सलाह किनको देते हैं, जो आपके स्टेट में राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, वहाँ से उनको सलाह देते हैं। मतलब प्रेसिडेंट सलाह दिए किनको, गवर्नर को, और गवर्नर फाइनली नियुक्त करता है किसको, हाई कोर्ट के जज को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, वर्ल्ड लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ऑप्शन ए 8 सितंबर, ऑप्शन बी 7 जुलाई, ऑप्शन सी 11 जुलाई एंड ऑप्शन डी 25 जनवरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 सितंबर। तो आइए हम लोग ऑप्शन डी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ऑप्शन डी जो है 25 जनवरी, इस समय हम लोग मतदाता दिवस के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, इन इंडिया डीएनए फिंगर प्रिंटिंग सेंटर इज सिचुएटेड, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कोलकाता एंड ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हैदराबाद। और आइए डीएनए के हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो डीएनए दैट मींस डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजाइंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का जो संसद है ना वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। ऑप्शन ए एजी एफिल, ऑप्शन बी हेनरी स्मिथ, ऑप्शन सी ली कार्बिजियर एंड ऑप्शन डी हर्बर्ट बेकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हर्बर्ट बेकर। और इसके साथ साथ एक और है एडविन लुटियंस। तो जो आपका भारत का जो संसद है पुराना वाला, उसका जो डिजाइन दिए थे वो हर्बर्ट बेकर एंड एडविन लुटियंस दिए थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, द ओल्डेस्ट चर्च सेंट थॉमस चर्च इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल एंड ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरला। तो जो आपका पुराना जो चर्च है जिसका नाम सेंट थॉमस चर्च है वो भारत के केरला राज्य में स्थित है, ओके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, गोल गुंबज द लार्जेस्ट डोम इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, जो आपका गोल गुंबज है बड़ा वाला वो भारत के किस राज्य में अवस्थित है, मतलब सिचुएटेड है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी बिहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। तो यह जो गोल गुंबज है ना, भारत का सबसे बड़ा एंड वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है। और यहाँ पर बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा भी है। जो बीजापुर के सुल्तान हुआ करते थे वहाँ पर इनका क्या है, मकबरा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।